सबसे फेमस लीला यही है गोवर्धन धारण की। अल्लाह ऑफ कोर्स अगर अमीरा भाई के सॉन्ग सुनो तो वो तो क्या कहते हैं गिरिवर धारिया, गोवर्धन जी के ही उन्होंने सॉन्ग्स गाए हैं। इनफैक्ट वल्लभ संप्रदाय में जितने भी डिवोटीज हैं, सूरदास, कुंबन दास, परमानंद दास, सब गोवर्धन पे रहते थे और गोवर्धन जी की महिमा और गोवर्धन जी पे भगवान ने जो लीलाएं की उसके बारे में चर्चा की है। सो गोवर्धन हमारे लिए स्पेशल है, मतलब रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि पूरे वृंदावन में सबसे स्पेशल क्या है। एक्चुअली दो चीजें, तीन चीजें, एक है गोवर्धन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, दूसरा है, तीन चीजें कौन सी हैं सबसे स्पेशल, किसी को पता क्या है? हाँ तीन चीजें, गोवर्धन, यमुना जी, यमुना तीरा, और तीसरा है व्रजरज। क्योंकि ये हमेशा से थे, मतलब राधा कुंड श्याम कुंड तो बाद में महाप्रभु ने डिस्कवर किए हैं, मगर भगवान कृष्ण से लेकर आज तक तीन चीजें हमेशा रही हैं। बाकी चीजें लुप्त हो गई थी, दोबारा ढूंढी गई हैं, जैसे प्रेम सरोवर है, मानसी गंगा है, आज आप देखते हो, दर्शन करते हो, पहले नहीं थे, लुप्त हो गए थे, हमारे आचार्यों ने उसको दोबारा से ढूंढा, बट गोवर्धन लुप्त नहीं हुए थे, ऑफकोर्स वो हो भी नहीं सकते, और यमुना जी लुप्त नहीं हुई थी, और व्रजरज तो है ही। सो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी गोवर्धन जी सबसे स्पेशल है। क्यों है, अब मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं आज। और गोवर्धन लीला जब भगवान करते हैं तो भगवान बहुत स्पेशल लगते, कृष्णा बिकम स्पेशल इन दैट। सो भगवान कैसे लग रहे थे जब उन्होंने गोवर्धन धारण किया, और कृष्ण के बारे में और लोग क्या चर्चा कर रहे थे, वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड है। मतलब इस चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी वो सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो उनके डिवोटीज और कृष्णा वो दोनों कैसे लग रहे हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोवर्धन जी के नीचे भगवान 7 दिन के लिए खड़े हुए थे, है नी, मतलब भगवान ने 7 दिन के लिए उठाया था गोवर्धन जी, 7 साल की उम्र में 7 दिन के लिए गोवर्धन जी उठाया, मतलब कंटिन्यूस दिन रात कंटिन्यूस, हाथ भी चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं है हाथ थक गया तो ही डिडंट रियली चेंज, मतलब यशोदा माँ कह रही थी कृष्णा तुम अपना हाथ चेंज कर लो, थक गए हो गए, मगर ये फनी सी बात है, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि इतना बड़ा माउंटेन उठा रखा है, वो कह रही है था, बट माँ है, इसलिए माँ है ना वो, सो दैट्स कृष्णा। सो मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, और हम यहाँ पे भगवान के कई क्वालिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान के कई गुणों के बारे में गोवर्धन लीला में भगवान ने प्रकट किए। ओके, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वह सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। सो इंद्र एक्चुअली पागल हो गया, क्योंकि इंद्र को लग रहा था, क्योंकि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी, सिंपल। सो इंद्र अब इंद्र को याद था या नहीं, कृष्णा भगवान है, अब इंद्र भी बहुत बड़े देवता है बाय द वे, छोटे मोटे तो नहीं है, जो हमें पता है कृष्णा भगवान है तो उनको नहीं पता होगा, बट भागवतम ये दिखा रही है गोवर्धन लीला से एक चीज की, आप चाहे कितने ही बड़े पोजीशन में हो मगर माया किसी को भी पकड़ सकती है, इंद्र तक को। इंद्र का नाम है शतक्रतु वेदों में, शतक्रतु मतलब कि इंद्र वो है जो 1000 यज्ञ करते हैं, 1000 यज्ञ कोई नहीं कर सकता, 1000 यज्ञ भगवान विष्णु के लिए, मतलब इंद्र के ऊपर स्तुतियां हैं वेदों में,
ऋग्वेद, सामवेद, और वो इंद्र आज भूल गए कि कृष्ण भगवान है। वो कंफ्यूज हो गए कि ये तो ऑर्डिनरी से लड़का दिखाई दे रहा है और इसने मेरा यज्ञ बंद करा दिया। एंड आई बिकम वेरी एंग्री। एक्चुअली कृष्णा क्या सोच रहे थे, कृष्णा सोच रहे थे कि कृष्णा को एक्चुअली पता लग गया था इंद्र को अहंकार आ गया, इसलिए भगवान ने इंद्र का यज्ञ बंद कराया था। उनको कोई शौक नहीं था, मतलब ये प्रथा तो चलती जा रही थी, यज्ञ की प्रथा तो पहले भी चलती थी। नंद बाबा ने कहा था कि भाई ये तो यज्ञ प्रथा चलती जा रही है, और कृष्णा इस टाइम कितने साल के हैं, 7 साल के, तो पहले 6 साल में भी रोक सकते थे, है ना, पहले भी तो रोक सकते थे, मगर पहले तो 6 साल में नहीं रोका, अब 7वें साल में अचानक से क्या हो गया। सो एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, भगवान को इस प्रथा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि भगवान तो अंतर्यामी है, उनको समझ आ गया इंद्र को अहंकार आ चुका है। और जब भगवान के भक्तों को अहंकार आता है, इंद्र तो भक्त है ही ना, तो भगवान उस पर अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं, और कृपा क्या करते हैं, उसका अहंकार नष्ट कर देते हैं। अगर भगवान के आप भक्त नहीं हो तो आपका अहंकार आएगा, भगवान आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, आता रहेगा, कर्मों के नियमों से अपने आप पिटोके सीखोगे। बट कृष्ण ऐसे नहीं है, तो भगवान ने, कृष्ण ने सोचा ठीक है, इंद्र को अहंकार आ गया है, ठीक है, दैट्स ओके। तो भगवान ने पहले सोचा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको पनिशमेंट देता हूँ, मैं इसको मारता हूँ। मार भी सकते हैं ना जाकर, भगवान तो चले जाएंगे इंद्र के वहां। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब द्वारका में सत्यभामा ने भगवान से पारिजात का पेड़ मांगा था, फूल मांगा था, पारिजात का फूल, तो भगवान कृष्णा इंद्र के स्वर्ग गए थे। वो कौन सा, तो इंद्र गार्डन कौन सा है, या आई थिंक नंदनवन है, तो वहां पे इंद्र के गार्डन में सारे पारिजात के पेड़ है। तो भगवान इंद्र से मांगने का भी, हम मुझे एक फूल दे दो, नहीं दिया उसने, नहीं दिया। सो भगवान जा भी सकते थे नहीं, भगवान को पता लग गया इंद्र को अहंकार आ गया, भगवान इंद्र के पास चले आते, उसको बोलते भी तुझे अहंकार आ गया, समझ जा, सही लाइन पे आ जा, जो भी करके सही कर देते। बट कृष्ण ने सोचा कि नहीं यार, भगवान ने सोचा कि अगर हाथी चींटी को मारेगा तो कैसा लगेगा, तो हाथी की प्रशंसा कोई करेगा, और इस हाथी ने एक चींटी को मार दिया, कितना सही हाथी है, ये हमारा हीरो है। इट्स कंप्लीट नॉनसेंस। अगर ऐसा बोलोगे भी ना, हाथी ने चींटी को मार दिया, तो हाथी की बेइज्जती हो जाएगी। तो कृष्णा ने सोचा कि भी अगर मैं जाऊंगा और जाके इंद्र को बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती है, ऐसे करोड़ों इंद्र है। तो भगवान ने सोचा कि इंद्र के अहंकार को मैं अपनी लीलाओं कर अपनी लीला करने का एक निमित्त मात्र बना लेता हूं। नाउ ही इज इंटेलिजेंट। भगवान भी ऐसे करते हैं, असाधन को साधन बना लेते हैं, गलत चीज को भी इस्तेमाल कर लेते हैं सही चीज करने में। तो भगवान ने सोचा इंद्र को तो अहंकार आ ही गया है, अब मैं ऐसी लीला करूंगा कि इंद्र के अहंकार की वजह से मेरे भक्तों को आनंद मिलेगा और साथ साथ इंद्र का अहंकार भी टूट जाएगा, मैं ऐसी लीला करूंगा। तो भगवान ने क्या किया, उसके बाद भगवान ने गोवर्धन, जब इंद्र ने बारिश की, भगवान को पता था कि यज्ञ रुक गया, इंद्र तो पागल हो चुका है, तो बारिश तो करेगा ही, और फिर मैं गोवर्धन उठाऊंगा और सारे भक्त गोवर्धन जी के नीचे आ जाएंगे और 7 दिन तक दिन रात मेरा दर्शन करेंगे, तो कितना आनंद मिलेगा उनको, है नहीं। सो कृष्ण ऐसे ही है, भगवान ने क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र को मारा नहीं, ना जरासंध को मारा शुरू में, ना दुर्योधन को मारा, जबकि भगवान चाहते तो 1 सेकंड में खत्म कर देते, नहीं वही खत्म कर देते, भगवान को पता ही है, जरासंध को मार देते, सब कुछ खत्म होता, भगवान ने नहीं मारा। भगवान ने कहा कि ये तीनों के तीनों जो है, धृतराष्ट्र, दुर्योधन स्पेशली और जरासंध, ये तीनों के तीनों हैं खराब, मगर मैं इनको अपना मिशन करने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं। और इन्होंने क्या मतलब, इनके द्वारा भगवान ने क्या कराया, भगवान ने इनके द्वारा सारे के सारे गंदे आदमियों को इकट्ठा बुला लिया, नहीं नहीं बैठा नहीं आ रहा, पता नहीं, इकट्ठा बुला लिया भगवान ने,
मैंने कहा भाई हमें हमारा हमारा क्यों हुआ यहाँ पे अवतार, दुष्टों को मारने के लिए? तुम्हें पूरी धरती पर ट्रैवल करना पड़ेगा दुष्टों को मारने के लिए? कुछ मत करो, इन दोनों को जिंदा छोड़ दो, ये खुद ही सारे दुष्ट हमारे पास लाते रहेंगे और हमें मारते रहेंगे, इनको छोड़ दिया, इनको इनको नहीं मारते, ये और गुस्सा होंगे और दुष्टों को कलेक्ट करेंगे, और गुस्सा होंगे और दुष्टों को कलेक्ट करेंगे, लाते रहेंगे सारे मर जाएंगे, परित्राण आया साधु नाम विनाश आया। तो ये देख रहे हो भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान ऐसा नहीं है कि इसने गलत किया है इसको मार दो, नहीं, ही थिंक्स व्हाट टू डू, ही इज इंटेलिजेंट। तभी तो मैं बता रहा था वहां की क्वालिटी दक्ष। सो भगवान की एक क्वालिटी यहाँ पे गोवर्धन लीला में प्रकट हो रही है, दक्षता। भगवान ने साइमल्टेनियसली इंद्र का अहंकार भी तोड़ दिया, मतलब इंद्र पे भी कृपा कर दी और अपने भक्तों पे भी कृपा की, सब पे कृपा की, बट कृपा करने का तरीका अलग है। देख लो, इंद्र पे कृपा अलग तरीके से हुई है और भक्तों पे कृपा अलग तरीके से। इंद्र पे कृपा क्या हुई है? इंद्र पे कृपा हुई है कि भगवान ने उसके सारे प्रयासों को विफल कर दिया, अहंकार को खत्म कर दिया, नहीं। और भक्तों पे कृपा ये कि उनको दर्शन दिया। भगवान को तो कृपा करना आता है, मगर कृपा करने का ढंग अलग होता है। अगर एक माँ के दो बच्चे हैं तो माँ दोनों पे कृपा करेगी, हो सकता है एक बच्चे को टॉफी दे, एक बच्चे को थप्पड़ मारे, जो गंदा बच्चा उसको थप्पड़ मारेगी पढ़ लो, जो अच्छा बच्चा उसको टॉफी देगी, तो देखने वाला क्या कहेगा कि देखो माँ उसको मार रही है, उसको लाइक नहीं करती, इसको टॉफी दे रही है, इसको लाइक करती है, ऐसा है? ऐसा नहीं है, माँ तो अपने बच्चों को लाइक करेगी करेगी, माँ तो दोनों पे कृपा कर रही है। तो इसलिए पता है क्या, जब भी भक्तों को प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, तो वो कहते हैं भगवान हमें हमारे पे कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की इस कृपा में कुछ ना कुछ हमारा कल्याण छुपा है। जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं देखो भगवान कृपा नहीं कर रहे, हमें प्रॉब्लम आ रही है इतनी, कहाँ है भगवान, ऐसे ही कहते ना, भगवान कहाँ है। वो एक्चुअली क्या था, मैं पता नहीं क्या क्यों याद आ रहा है मुझे, भगवान याद आ रहा है, बचपन में एक मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन की, आपको भी मुझे, मैं नाम ही भूल गया, तो पता नहीं वो मंदिर गया था, मंदिर ही घंटियाँ बजा रहा था, भगवान आप कहाँ हो, ऐसा था ना कुछ, था ना कुछ सीन था ना कुछ, मुझे पता नहीं, बचपन में हेजी सा याद है, सारे में होता था। वो मर गया, वो पिट रहा है, फिर मंदिर गया, सारी घंटियां बजाते, लटकते लटकते जा रहा है, खून हो गया, फिर भगवान से कह रहा है कहाँ है भगवान, भगवान कहाँ हो तुम, मेरा इतना न्याय हो रहा है, ऐसे सीन होते थे। तो मैंने बचपन में देखी थी और मुझे उसका लॉजिक समझ नहीं आया था, बाय द वे ऐसा क्या हो रहा है, बट द पॉइंट इज ऐसे ही होते, जो भक्त नहीं होते वो ऐसा सोचते, जो भक्त होते हैं वो तो, उनके लिए तो भाई दुख भी हमारा दुख और सुख कृष्णा ही है, बस कृष्णा ही है हमारा दुख और सुख, बस हम सुख में भी कृष्णा है दुख में भी कृष्णा है, उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे हम। जैसे बच्चे के लिए दुख और सुख माँ बाप ही तो हैं, वो दुखे तभी माँ के पास जाएगा, सुखे तभी माँ के पास जाएगा, है नहीं? जो जिनकी भक्ति कच्ची होती है वो क्या करते हैं, जब उनको सुख आता है तो बड़े खुश होते हैं कृष्ण की कृपा है, जब दुख आता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, समझ आ रहे हैं मेरा क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं? जो अभी नए नए भक्त हैं, जब सुख आता है तो बड़े खुश होते हैं, जब दुख आता है तो क्या करते हैं, देखो जो 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 अच्छा भक्त है वो तो दुख भी आएगा तब भी भगवान की कृपा है, सुख भी आएगा तो भगवान की कृपा है, जो अमिताभ बच्चन टाइप का आदमी होगा भोगी, वो जब सुख आएगा तो बहुत खुश होगा, दुख आएगा तो मंदिर की घंटियां बजाएगा, भगवान कहाँ हो तुम, वो तो भक्त है ना। जो अभी मतलब बीच में लड़, मतलब अभी हम जैसे आप लोग नए भक्त हो, अभी अभी कर रहे हो, नहीं कर रहे, थोड़ा नए हो, ठीक है कर रहे हो, थोड़ी बहुत कच्ची भक्ति है, तो आपको सुख आएगा तो कृपा बोलोगे, दुख आएगा तो क्या करोगे, तो क्या होता है, आपने हमें क्या, वो तो भाई तो वो तो जो भक्त नहीं है वो कहता है ना, ऐसा क्यों किया हमारे साथ, आप तो डिवोटी हो ना, तो डिवोटी को सुनता रहता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है नहीं, जैसे लेक्चर में सुन रहे हो ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तो डिवोटी बोलेगा नहीं यार हमने लेक्चर में सुना था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर परेशान तो होगा ही, दुखा भक्ति कच्ची है ना, तो क्या करता है वो, तो भक्त तो
कृपा देखता है दुख में, अभक्त ये बोलता है भगवान मेरा ऐसा क्यों किया, और जो कच्चे भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, सो जाते हैं ये ना भगवान से कुछ बोल सकते हैं, डिस्टर्ब भी हो रहे तो बेटर है सो जाओ। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। डिवोटीज के पास यही रास्ता होता है, जब परेशान होते हैं ना और कुछ समझ नहीं आ रहा तो सो जाओ, टाइम बीत जाएगा, चलो सो सो के टाइम बिताओ। That's how it happens. मगर उसको क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है कि जब दुख आए तो किसी भक्त से बात करो, अच्छे भक्तों से, और उन्हें समझने की कोशिश करो कि भगवान की कृपा कैसे देखनी है दुख में। एक्चुअली बहुत बड़ा सौभाग्य अगर दुख आता है किसी के जीवन में, क्योंकि उस वो दुख एक्चुअली एक रूमी सेंट है। रूमी पता है? रूमी आपको नहीं पता होगा, सूफी सेंट। सूफी तो पता होगा ना आपको, क्या है सौंफ, क्या है सूफी, क्या होता है सूखी, नहीं सूफी, सूफी सेन। सूफी पता है किसी को? जैसे हमारे पंडित कहते हैं ना, ऐसे इस्लाम में पंडितों को क्या बोलते हैं? सूफी आर सो कॉल्ड, मतलब एक तरह से थोड़े अलग ही होते हैं बट सूफी संत होते हैं। जैसे कबीर जी सूफी थे, वो तो अल्लाह की भक्ति करते हैं, भक्ति गाते रहते हैं जैसे भी। तो एक बहुत बड़े संत थे रूमी, सूफी सेंट, वेरी फेमस, इज अ प्रिंस ऑफ हार्ट उनको कहते हैं। सो मैं एक पोएम पढ़ा था, तो ही वॉज सेइंग कि वो कह रहे थे देखो भाई दुख तो हमारा गेस्ट है, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग, दुख हमारा अतिथि है। और अतिथि को क्या निकाल देते आप? नहीं, दुख को आने दो, उसको आराम से बिठाओ, खिलाओ पिलाओ और सेवा करो उसकी तब वो आपकी मदद करेगा, आपकी भक्ति बढ़ाएगा वो, समझे? और दुख आएगा, आप परेशान हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है उसका। सो दैट्स व्हाट कृष्णा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं हरे कृष्णा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्यों बोल रहा हूँ मैं, आई जस्ट लॉस्ट द थ्रेड। आप लोग को याद है मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं? नहीं नहीं है कि कृष्णा से वहाँ कहाँ पहुँच गए, तो फिर अच्छा मैं ये कह रहा था कि भगवान सब पे कृपा करते हैं ना, इंद्र पे भी कृपा करते हैं, सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ओके सो या दैट्स ऑल। अगर मान लीजिए आपका हाथ कट जाए तो क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? मान लीजिए कोई गुंडा पकड़ के लेगा आपके हाथ काट दिया तो क्या सोचोगे उसके में, क्या हो गया, होश तो नहीं उड़ गया आपके? क्या आपका हाथ काट देगा तो उसमें भी सोचना पड़ेगा हमें कि भगवान की बहुत कृपा है। अब उस टाइम पता नहीं क्या होगा, वो बात अलग है, बट महान भक्त तो ऐसे ही होते हैं। जयदेव गोस्वामी के हाथ काट देते, पांव काट देते, तब भी वो सोच रहे थे हे गोविंद आपकी कितनी कृपा है कि मेरे हाथ पांव कट गए, वो ऐसा सोच रहे थे कि इन हाथों से मैं इतने गंदे काम करता हूँ, अच्छा कट गए, इन पैरों से मैं इतने गंदी गंदी जगह जाता हूँ, अच्छा कट गए, खत्म, चलो भगवान की कितनी कृपा है गौर किशोरदास बाबा जी अंधे हो गए थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि भी अपनी आंखें सी करा लो, उन्होंने कहा नहीं भगवान की बहुत कृपा है मैं अंधा हो गया, यहाँ आंखें कितनी गंदी गंदी चीजें दिखाती है संसार में, अच्छा खत्म हो गया बस, अब मैं हमेशा आपको अपने हृदय में देख सकता हूँ कृष्णा। सो दैट्स हाउ इट गोज। अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे ना तब भी अंधे तो हो गए ही हो गए, अगर आपकी किस्मत में अंधा लिखना है, हाथ कटना है तो वो कटेगा ही कटेगा, वो रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं आप कृष्ण के पास आ गए तो आपके हाथ बच जाएंगे, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, आपके बचेंगे नहीं हाथ, अगर किस्मत में लिखा है तो वो कटेंगे, वो कोई नहीं बचाए। भगवान बचा सकते हैं, मगर भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर भगवान इतने छोटे मोटे काम नहीं करते कि आपके कर्मों के आपको बदलेंगे, वो सब भगवान को इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने कर्म अपने आप ही झेलते रहो,
कोई बड़ी बात नहीं है, है नहीं कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब अगर भगवान आपके कर्मों को इधर उधर करेंगे, मान लीजिए भगवान आपके पाप पाप कर्म सारे काट दें, काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कहते भी एक बार नाम लेते सारे पाप कट जाते हैं, ऐसा सही भी है, मगर भगवान फिर भी अपनी कृपा से हमारे पाप रहने देते हैं, उनकी कृपा है। क्योंकि अगर पाप नहीं होंगे तो दुख नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा तो हमारे क्या होगा, दुख दुख में स्मरण सब करें, सुख में करें ना कोई भूल लो गया, इसलिए भगवान कृपा करके पाप ले आते हैं दोबारा से। ये तो भगवान की बहुत कृपा है कि चलो भी ठीक है फिर हमें फिर पाप से, तो वो तो होगा ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो तो होगा, मगर आप अगर उसमें भगवान को देखोगे तो फिर तो आप कृपा आएगी, नहीं देखोगे तो परेशान होते रहोगे, और क्या होगा, परेशान होते रहोगे। चीजें तो होती है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो सब भगवान का अरेंजमेंट होता है, भगवान डिवोटी की लाइफ में जो भी हो रहा होता है भगवान अरेंज करते हैं, भगवान अरेंज करते हैं। और अगर भगवान की कृपा देखोगे तो भगवान सब कुछ फिर अपने शक्ति से ठीक कर भी देंगे, मगर पता है भगवान ज्यादा कुछ करते नहीं छोटी मोटी चीजें, क्योंकि वो बड़ी अजीब सी बात है। मान लीजिए सपोज कहें भाई, मान लीजिए एक चींटी आपके पास आए, क्या है कि फोन किसका है, मतलब क्यों है फोन, फोन प्लीज चेक कर लो, अपना फोन बंद कर लो, मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो मतलब मान लीजिए एक चींटी है आपके पास, और वो चींटी कहे कि भैया देखो ऐसा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही, मुझ पर कृपा करो। तो आप क्या उसकी मदद करोगे, करोगे चींटी की जॉब लगवाओगे? और अगर आपने लगवा भी दी बाई चांस, पता नहीं कैसे लगवाओगे, मुझे भी नहीं पता, बाई चांस आपने लगवा भी दी तो आप बोलोगे किसको, अपने दोस्त को बोलोगे यार मैंने देख चींटी की जॉब लगाई है, इसको पागल खाने में डलवाओगे, क्योंकि चींटी की उम्र कितनी है, दो दिन, एक दिन होगी, दो दिन होगी मुश्किल से, दो दिन में के बाद मर जाती है वो, बस दो तीन दिन होगी और क्या, मर जाएगी, मक्खी भी ऐसी होती है एक दिन की लाइफ होती है। तो क्या है मतलब हमारी दृष्टि में क्या है, मतलब उसकी लाइफ तो यूं ऐसी, भगवान अगर हमारे पाप खत्म कर रहे हैं, हमारी जॉब लगवा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो वही बात है, भगवान किसी को बताने लायक नहीं रह जाएंगे कि देखो अभी मैंने ये, देखो अभी मेरा मैंने राजपुरा में ये डिवोटी था इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ब्रह्मा जी हंसेंगे भाई ये क्या है, नॉनसेंस है, कृष्णा कोई मतलब नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब है भक्ति से। भगवान ये गर्व के साथ कहेंगे देखो ये मेरा भक्त है, इसने मेरी कितनी सेवा की और मैंने इसको प्रेमा भक्ति दान की है, वो है, दैट्स ही इज प्राउड ऑफ। यानी वैसे माँ बाप बच्चे के लिए प्राउड होते कि मेरा बच्चा सपोज इतना बड़ा आदमी बन गया, होते ना ऐसे, भगवान भी, भगवान को तो एक ही बात का प्राउड है कि प्राइड है कि मेरा भक्त कितना शुद्ध भक्त बन गया। सो ये भगवान की कृपा है, यहां से एक्चुअली गोवर्धन लीला शुरू हो रही है। आप देख रहे हो भगवान की ऑलरेडी दो क्वालिटीज आ गई, प्रकट हो गई, भगवान दक्ष भी है और कृपा के सागर भी है, मगर कृपा इस तरह देते हैं कि सबका कल्याण हो, वो बात अलग है, आपको समझ आए ना आए। तो गोवर्धन में क्या हुआ, इंद्र गुस्सा हो गया, तो इंद्र ने सारे ब्रह्मांड को विनाश करने वाले बादल, उनका नाम भी होता है, जैसे अभी तो बादल आ रहे हैं ना, वो तो सिर्फ बारिश कर रहे हैं, कुछ बादल होते हैं जो सारे जो मतलब जब प्रलय होती है तो वो बादल आते हैं, और उन बादलों में इतना पानी होता है कि 1000 साल तक कंटिन्यूस बारिश होती है, एक दिन दो दिन नहीं, 1000 साल तक कंटिन्यूस बारिश होगी, पूरी धरती पानी में चली जाती है, कुछ होता ही नहीं, पूरा पानी में चला जाता है। मतलब जो आपका जो ये है ना आपका माउंट एवरेस्ट नहीं है, वो भी पानी में चला जाएगा, इतना पानी हो जाता है, कोई पहाड़ कोई आपको लैंड ही दिखाई नहीं देगी,
हजार साल तक बारिश होगी तो क्या कैन इमेजिन, मैं सब मर जाएंगे पानी में डूब के, तो कोई जीवन तो रहेगा ही नहीं, कोई भी नहीं रहेगा, पक्षी भी कितना ऊपर उड़ेंगे, कुछ खाने को ही नहीं होगा, हम नीचे अंदर सब मर के गिर जाएंगे। तो वो बादल भेज दिए इंद्र ने, यू कैन इमेजिन, मतलब इंद्र ने कहा जाओ और वृंदावन को खत्म कर दो, मतलब एक वृंदावन को मारने के लिए उसने बादल भेजे। इन बादलों का नाम क्या होता है किसी को पता है? सांवर्तक बादल, उनका स्पेशल नाम है। जब प्रलय काल में आते हैं, जब आते हैं ऐसे बादल, पूरा अंधेरा छा जाता है, मतलब दिन में रात हो जाएगी, सूरज दिखाई नहीं देगा। वो हाथी के सुन पिलर्स की तरह। तो उन बादलों में जब पानी गिरता है तो पानी की एक बूंद एक खंभे के समान होती है, मतलब उन बादलों के पानी की एक बूंद एक रूम के इक्वल होगी। जैसे आपने कभी कभी सुना है ये देहरादून में या ऊपर काशी में वो फट गया था ना बादल फट जाते, नहीं फट जाता है पूरा फ्लड आ जाता है, ऐसे होता है प्रलय काल में बादल फट जाते हैं और सारा पानी 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 पानी। तो वो बादल भेज दिया। अब सोचने वाली बात है कि इंद्र ने इतने छोटे से वृंदावन को खत्म करने के लिए संवर तक बादल भेजा, आप देख रहे हो। तो मतलब इस चीज से पता क्या लग रहा है, क्या पता लग रहा है? मान लीजिए वो तो ये बात हो गई कि भाई प्रलय काल के बादल राजपुरा को खत्म करने के लिए भेज दी, मतलब वो तो ये बात हो गई कि पूरी इंडिया की आर्मी राजपुरा को मारने आ गई। वो तो क्या है, पूरी आर्मी क्या कर रही है। तो इससे पता लग रहा है कि इंद्र का दिमाग आउट, पूरा आउट हो चुका था, वो डिसीजन भी सही नहीं ले पा रहा था। इंद्र चिढ़ गया था कृष्ण से पूरी तरह, मतलब इंद्र के दिमाग में एक ही खुसरी थी कि इस बच्चे को मैं से मारूंगा बस। ये होता है अहंकार का लक्षण, अहंकार में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो बस एक ही चीज दिमाग में होती है, मैं इसको मारूंगा, कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही होता है बस। जब किसी दो 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 आदमी में लड़ाई होती है तो क्या सोचते हैं, बस इसको मारूंगा, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, वो क्या है कैसा है, मतलब बस आपको एक ही फोकस है, उसको मारूंगा बस। ये अहंकार करता है, अहंकार दूसरों के गुण देखने नहीं देगा, देखना अहंकार ये चीज है। दूसरों की अच्छाई दिखाई देगी नहीं आपको, नहीं कभी नहीं दिखाई देगी। सो इंद्र ऐसा हो गया, मतलब कृष्ण तो अच्छाई के सागर हैं, कृष्ण में बुराई तो है ही नहीं, वो तो भगवान है, सर्व कल्याणमय का गुणई का सागर, सर्व दोष अभिवर्जितम, मध्वाचार्य कह रहे सारे दोषों से मुक्त है और सारे गुणों के सागर है। और इंद्र अहंकार के कारण कृष्ण में एक भी गुण नहीं देख पा रहा, यू कैन इमेजिन, सारी बुराइयां सोच रहे, तभी तो कह रहे मार दूंगा। सो अहंकार ऐसी चीज है कि भगवान में भी अच्छाई देखने नहीं देंगे तो इंसान में क्या अच्छाई देखोगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सबसे पहले अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार हटा दो। और अहंकार मतलब क्या होता है पता है आपको, क्या मतलब होता है अहंकार, क्या होता है? आप सब अहंकारी हो या नहीं मुझे बता दो, सब हो या नहीं, कितने लोग अहंकारी नहीं है, क्या कहते हो वहां पे कोई है, और कितने लोग अहंकारी हैं, सभी है, नहीं सभी है, तो आप लोग अहंकारी हो ना, फिर तो अहंकार क्या होता है बता दो मुझे, मैं तो नहीं हूं। मुझे पता ही नहीं। सो कौन बताएगा अहंकार क्या होता है, क्या होता है शोधा सर, हर बात में मैं, ठीक है हर बात में मैं, मतलब पूरी डेफिनेशन नहीं है, मैंने किया क्या, अब आपसे पूछे आपने लाइम जूस बनाया प्रसाद में तो क्या कहोगे, लाइम जूस बनाया प्रभु जी, किसने बनाया, लाइम जूस बनाया प्रभु, मैं नहीं बोल सकता मगर लाइम जूस बनाया। तो वो तो पूरी डेफिनेशन नहीं हुई ना, मतलब पूरी डेफिनेशन चाहिए ना, मैं कहने से थोड़ा ना होगा, मैं तो बोलना ही पड़ता है, आपने कितनी माला की क्या कहोगे, 16 माला, तो मैं तो कहना ही पड़ेगा ना, तुम्हारा नाम क्या है, तुम मेरा नाम, सो दैट्स, तो मेरा मैं तो वैसे तो जाएगा नहीं, तो क्या डेफिनेशन क्या है अहंकार की, अपने आप को
ओके दैट्स गुड, दैट्स वन थिंग. अहंकार मतलब अपने आप को भगवान से ज्यादा इम्पोर्टेंट देना. हाँ समझना, यही बात सही है. अपने आप को भगवान से ज्यादा महत्वपूर्णता देना, मतलब ये समझना कि मेरे आइडिया अच्छे हैं, भगवान के आइडिया इतने अच्छे नहीं है. गलत नहीं है, अच्छे हैं, मगर मेरे बेटर है, मेरे आइडिया बेटर है. भगवान कह रहे हैं देखो 24 घंटा मेरा नाम लो. नहीं यार, भगवान को क्या पता, वो थोड़े ना जॉब करते हैं. जॉब तो मैं करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है. ऐसे ही बोलते रहते हैं पता नहीं, 24 घंटे नाम लो. अबे अगर भगवान को पता नहीं है क्या जॉब करते हो आप, टाइम नहीं है, फिर भी क्यों बोल रहे हैं वो 24 घंटा नाम लो, क्यों बोल रहे हैं बताना. अफीमची है क्या, वो बेवड़े हैं क्या कि उनको मतलब ऐवे बोलते रहते कुछ ना कुछ कुछ तो मतलब होगा ना उसका. इसका मतलब कोई सीक्रेट है भगवान का नाम 24 घंटे लेने की. तो प्रभुपाद ने कहा 16 माला माला पे करोड़ों माला मन में. तो मन इस तरह बन, प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि बिना माला के भी नाम चलता रहेगा 24 घंटे पॉसिबल है. अर्जुन भी ले रहा था, अर्जुन तो खैर सोते वक्त भी लेता था. अर्जुन का नाम इसीलिए गुड्डा केश था. गुड्डा केश पता है, जो नींद में भी कृष्ण का नाम लेता है. मतलब अर्जुन की तो इतनी प्रैक्टिस थी कि अर्जुन के सांसों में से कृष्ण निकलता था. अर्जुन मतलब महाभारत में आता है कि अर्जुन सो रहा था तो कृष्ण भगवान उसके रूम के सामने से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम कौन ले रहा है, हरे कृष्ण मतलब कृष्णा 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 कृष्णा. तो अर्जुन के रूम में गए तो अर्जुन सो रहा था, मगर जब वो सांस बाहर ले रहा था तो उसके निकल रहा था कृष्णा, फिर अंदर ले रहा था कृष्णा, ऐसे निकल रहा था सोते वक्त भी. दैट्स अ डिवोटी. हमारे क्या निकलते घुराटे, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या करते आप लोग सोते वक्त, भगवान जाने. I don't know people become mad when they sleep, they out of their reflexes, they become mad. So that's how it happens. So मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं सब कहाँ से कहाँ पहुँच रहा हूँ आज, मुझे क्या हो रहा है, मैं मेरा माइंड आउट है. इंद्र का अहंकार है. सो मैं ये कह रहा था कि हम सब अहंकारी है, हम सब अपने आइडिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं. भगवान कह रहे हैं भी मेरी शरण ले लो, हम कह रहे हैं नहीं ये टाइम नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये है वो है, नॉनसेंस. मतलब अहंकारी हो, अहंकार ये थोड़ा ना होता है कि मतलब समझ रहे हो, ये अहंकार है. तो इसलिए एक डिवोटी के लिए मतलब हमारी तो शपथ ये है कि जो भगवान कहेंगे हम वही करेंगे, बस हम तो ये मान के चलते हैं डिवोटी. ये भगवान कहेंगे हम तो वही करेंगे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, जो करना करते रहो भाई. हम तो कन्विंस्ड हैं कि हम भगवान की बात मानेंगे और उसी में हमारा कल्याण है. कृष्णा जो आप कहेंगे हम तो वही करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो बेस्ट है. बस जब तक ये कन्विक्शन नहीं आएगी तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते. ये तो होनी चाहिए, ये बेसिक है, बेसिक बेसिक है, बेसिक चीज़ है. कृष्णा आप जो कहेंगे हम वो कर रहे हैं बस. और वो आपको अच्छा भी लगना चाहिए, यस कृष्णा कृष्णा सही कह रहे हैं. आपको कन्विक्शन भी तो होनी चाहिए कृष्णा सही कह रहे हैं, कृष्णा को गलत थोड़े ना कहते हैं कभी भी. वही यू शुड नो दैट. सो बट इंद्र में अहंकार था, दैट्स द पॉइंट. इंद्र सोचता मेरे आइडिया. जब कृष्ण ने बोल दिया कि इंद्र का यज्ञ बंद कर दो, तो इंद्र को पता होना चाहिए कृष्णा सही कह रहे हैं. कृष्णा सही कह रहे हैं मेरे यज्ञ बंद कर दो, ठीक है मैं क्यों चैलेंज करूं. मगर इंद्र कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरे इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, ये है तो ये है वो है वो है वो है. सो इंद्र ने कहा, एक्चुअली इंद्र की भाषा देखो क्या, मतलब पागल हो चुका है इंद्र. जब अहंकार आ जाता है ना, तो एक तो आपकी बुद्धि भी बंद हो जाती है और फिर ऊटपटांग बोलना भी शुरू कर देते हो आप, हरकतें भी. हाँ ये कह लो, ये पटियाला से बच्चा कहाँ से हो, राजपुरा से. ओके जरा इंद्र कह रहा है, जरा देखो तो सही कि ये जंगल में रहने वाले ये ग्वाले, जंगली लोग तो कह रहे हैं जंगली लोग, ये किस तरह से पागल हो चुके हैं. एक्चुअली पागल कौन हो चुका है, इंद्र देख रहे हो आप.
जो पागल होता है उसको हर आदमी पागल ही नजर आता है। वो शराबी होता है ना, उसको लगता है सबने शराब पी हुई है, बस मैं ही सही हूं। आप पी के देख लो, आपको पता लग जाएगा। शराबी शराबी है थोड़ा ना सोचता है कि शराबी ऐसे, ये नहीं सोचता कि वो लड़खड़ा रहा है। लड़खड़ा रहा समझते हो ना, लड़खड़ाना वर्ड होता है ना, लड़खड़ाना हिंदी में क्या, आपको लोग क्या बोलते हो? वही है, वही है या लड़खड़ाना, इसको तेज तो बोल, फास्ट तो बोल ही नहीं सकते। सो शराबी नहीं सोचता कि मैं लड़खड़ा रहा हूँ, शराबी सोचता है संसार हिल रहा है, मैं नहीं हिल रहा, मैं तो खड़ा हूँ, पूरा संसार हिल रहा है। इसने भी शराब पी रखी, इसने भी शराब पी रखी, ऐसे जो पागल है उसको लगता है सब पागल है, ऐसे ही है बस, दुनिया ऐसे ही है। जो भक्त है उसको क्या लगता है सब, उसको तो जो अच्छा है उसको लगेगा सब अच्छे, जो गंदा उसको लगेगा सब गंदे, वह ऐसी ऐसी चलती है दुनिया। तो ये कृष्ण या इंद्र कह रहे तो पागल हो चुके हैं। सो उन्होंने एक असामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है, वो भूल गया कृष्ण भगवान ने। अहंकार से सत्य छुप जाता है, अहंकार से सारा सत्य छुप जाता है, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी। और इस तरह उन्होंने देवताओं का अपमान किया। एक्चुअली इंद्र कह रहे हैं, अब एक्चुअली इंद्र को मतलब इंद्र ऐसे तो नहीं कह सकता सबको कि अटैक कर दो वृंदावन में, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की, कोई तो और भी तो कुछ लॉजिक होना चाहिए, है नहीं? मतलब आप भैया आप सबको कन्विंस करना है कि सबको मार दो बादलों को, तो बादल कहेंगे यार इन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है तो आप थोड़ा सहलो उसमें, क्या है? तो कोई और लॉजिक चाहिए होता है। तो इंद्र के माइंड में लॉजिक आ गया कि एक्चुअली कृष्ण ने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया, कृष्ण ने किसका अपमान किया है? देवताओं का अपमान किया है और वेदों का अपमान किया है, क्योंकि देवताओं का अपमान किसका अपमान है? वेदों का अपमान भगवान का अपमान है। आप देख रहे हो, जब अहंकार होता है तो बिल्कुल लॉजिक सटीक आ जाता है आपका, आप सोचोगे मैं सही हूं, बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। अगर गुरु कहेगा तुम गलत हो, आप कहोगे यार एक गुरु मेरे को पता नहीं है, जानने की वो कोशिश नहीं करते कुछ, हमारे साथ क्या बीत रहे इनको क्या पता, या ये उल्टा सोचते हैं कि दूसरों ने कान भर दिए इनके, तभी तो समझ नहीं आ रहा कि हमने गलत किया है, हमने सही किया था। यू सी दैट्स मतलब मैं कह रहा हूं कि ये लॉजिक्स आ जाते हैं माइंड में से। ये जो बुद्धि है ना, एक्चुअली अच्छी भी है मगर बहुत खतरनाक भी है भक्ति में। अहंकार रहित बुद्धि अच्छी है, अहंकार पूर्ण बुद्धि बहुत खतरनाक है। आप पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगा के बैठे रहोगे। जैसे आज संडे प्रोग्राम ही है तो आप कहोगे यार आज तो मतलब आप लोग तो चलो आ गए, बाकी लोग सोच रहे हैं चलो यार आज तो कीचड़ हो रही है आज नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम थक गए या मन नहीं कर रहा, ये कोई नहीं कहता मन नहीं कर रहा, मन तो हमारा बहुत कर रहा था। देखिए अब आप पूछोगे किसी से क्यों नहीं आए, तो आप किसी से पूछो क्यों नहीं आए प्रोग्राम में, तो सबसे पहला डायलॉग क्या होगा? हमारा मन तो बहुत कर रहा था पर, बस वो पर बहुत बड़ा वर्ड है, पर हमारे पर लग गए, हम छू 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 उड़ गए से। मतलब एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उसका मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं मन कर रहा था, उसका मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है मन कर रहा था और फिर बहाने आते हैं, जब मन नहीं कर रहा था तब बहाने आते हैं, उल्टा होता है, मैंने तब बहाने आते हैं। सो वे कीचड़ हो गई, वो हो गई, वो हो गई, ऐसे ऐसे कर करके। तो एक्चुअली इंद्र के माइंड में बहाना आ गया सीधा कि कृष्ण ने देवताओं का अपमान किया है, और इंद्र ने कन्विंस कर दिया फिर सबको। अब जो प्रलय वाले बादल भेजने हैं तो इंद्र अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि बादल को भेजने के लिए जो प्रलय काल के बादल तो बहुत बड़े होंगे ना, बहुत हैवी भी होंगे क्योंकि इतना सारा पानी है, तो उनको चलाने के लिए वायु की मदद भी चाहिए, वायु उड़ा के ले जाएगा ना उनको, तो वायुदेव को भी कन्विंस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अग्निदेव को भी कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग बादलों में होती है, लाइटनिंग क्या कहते हैं उसको हिंदी में, बिजली, तो बिजली तो अग्निदेव करेगी, तो उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा। तो सबको कन्विंस करना है, अब सबको थोड़े ना बोलेंगे कि इसने मेरी बेइज्जती की इसलिए आप सबको करो,
कहेंगे तुम्हारी बेइज्जती है तो हम क्यों करें सब। एक लॉजिक है, मतलब आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो इंद्र ने बहुत तगड़ा लॉजिक निकाला, उन्होंने कहा कि भैया इसने तो देव हेलनम, देवताओं की, हम सबकी बेइज्जती कर दी इस बच्चे ने, तो इसलिए इसको अवेदों की बेइज्जती की, भगवान की बेइज्जती की, इसलिए हमें तो सबने कहा अब ठीक है अब हम अटैक कर देंगे, सब मिल गए। सो ये अहंकार कर देता है ऐसे करके, मतलब आई मीन टू से हिटलर विटलर तो अहंकार ही होते, मतलब पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, मतलब इतने सारे, और सबको कन्विंस भी कर दिया कि हम तो सही कर रहे हैं, हम नाजीज हैं, ज्यूस को मारो, जो भी है, मतलब ऐसे ऐसे तो चलता है। सो उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसा कि लोगों द्वारा आत्मज्ञान को त्याग कर मिथ्या कर्मों में लगे रहना। यू कैन सी इंटरेस्टिंग है यहां पर। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो ये ग्वाले हैं उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना ऐसा ही है जैसे लोग आत्मज्ञान को त्याग कर यज्ञों की नाव में चढ़कर इस महान भवसागर को पार करने का मूर्खपूर्ण प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं कि भी शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ की नाव से, एक्चुअली बहुत अच्छा है ये तो, ध्यान नहीं दिया, यज्ञ दृढ़ कर्ममय, कि यज्ञ की नाव पे बैठ के आप संसार को पार नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ यज्ञ करके आप जन्म मृत्यु से बाहर, मतलब कई संस्थाएं जो यज्ञ करती हैं, करती नहीं करती हैं, यज्ञ करते रहेंगे, यज्ञ करो यज्ञ करो यज्ञ करो, ठीक है शास्त्रों में दिया है, मना नहीं कर रहे, मगर शास्त्र खुद कह रहे हैं यज्ञ ही दृढ़ अप्लवा, यज्ञ की नाव बहुत अदृढ़ है, भवसागर को पार नहीं कर पाएगी, यज्ञ से नहीं होगा कुछ, होगा तो भगवान की भक्ति से ही होगा। तो वो ही कह रहे हैं इंद्र कि भैया भक्ति को छोड़कर यज्ञ की नाव पे बैठ के लोग भवसागर पार करना चाहते हैं, इतना मूर्खपूर्ण प्रयास करते हैं। उसी तरह इसने, इन्होंने कृष्ण की शरण ले ली, विष्णु को छोड़ के कृष्ण की शरण ले रहे हैं, मतलब वो भूल गया ना कि कृष्णा विष्णु है। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, मतलब बड़ी अजीब सी बात है। अहंकार में क्या होता है, व्यक्ति के पास मतलब सारा सही ज्ञान भी है फिर भी डिसीजन सही नहीं आ रहा। आत्मज्ञान तो है ही, शास्त्र भी बोल रहा है, कंक्लूजन गलत है। जैसे हिरण्यकशिपु, जब हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई मरा था, पता है ना बड़ा भाई कौन था, पता है आप सबको कौन थे, सबको पता है, हिरण्याक्ष, यस हिरण्याक्ष। सो या हिरण्याक्ष, अहंकार का बड़ा भाई कौन है, कौन बताए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी को पता है, चलो होमवर्क है पता करके आना, अहंकार का बड़ा भाई। सो एनीवे, मैं क्या करता, जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकशिपु आया, और हिरण्यकशिपु ने पता क्या बोला, मतलब हिरण्याक्ष की पत्नियां रो रही थी माँ कि देखिए मर गया, हिरण्यकशिपु ने आके पता क्या बोला, हिरण्यकशिपु तो असुर है, पता है ना हिरण्यकशिपु असुर है, हिरण्यकशिपु ने आके बोला देखो रो मत, हम सब आत्मा है शरीर नहीं है। अब वो एक नॉनसेंस असुर डीमन, और वो आत्मज्ञान की बात की उसने, पूरी भागवतम में पूरी उसकी वो है, उसकी भी गीता है हिरण्यकशिपु गीता, कि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर तो 5 तत्वों से बना है, ये तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा फिर चली जाती है दूसरे शरीर में, तुम चिंता मत करो, ये सारी चीजें बोल दी, मगर सब कुछ पता होते भी क्या है, वो असुर है। अब देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा जब अहंकारी बनोगे, ऐसा नहीं है, आपको सारे भागवतम के श्लोक पता होंगे सारे, आपसे कुछ ही पूछ लेंगे आप ये श्लोक वो श्लोक वो श्लोक, आप लेक्चर भी दे सकते हो उस टाइम, जबरदस्त लेक्चर, मगर एक्चुअली अहंकार से सत्य छुपा होगा, गलत डिसीजन लोगे लाइफ में, कुछ नहीं होगा। तो अहंकार पता है बहुत अजीब सी चीज है, जब आप अहंकार आएगा ना तो कभी नहीं पता लग सकता अहंकार आ गया, वो कभी नहीं पता लगेगा, पता है क्यों, क्योंकि सब कुछ तो है ही ना, ज्ञान भी वही बना पड़ा है, लॉजिक भी आ गया सब, तो आपको आपको पता ही नहीं सकता कि मैं गलत हूं। अहंकार ऐसी चीज है, क्रोध आ जाएगा आपको पता लग जाएगा मैं गलत हूं, है नहीं, क्रोध तो आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है, पता लग जाएगा, लोभ आ जाएगा वो भी दिखाई दे जाएगा, काम वासना आ जाएगी वो भी दिखाई दे जाएगी, क्योंकि काम क्रोध लोभ में ज्ञान नष्ट हो जाता है। अहंकार ऐसी चीज है कि ज्ञान नष्ट नहीं होगा,
ज्ञान वही का वही बना बढ़ाएगा, बल्कि ज्ञान और बढ़ जाएगा। अहंकार ऐसी चीज होगी, ज्ञान और बढ़ जाएगा, आपको लगेगा मैं और ज्यादा सही हूं, मुझे तो आता है। सो बहुत डेंजरस है अहंकार से निकलना, इट्स इम्पॉसिबल। और इंद्र इसी का शिकार है, इसलिए तो नहीं निकल पाया, इसलिए तो 7 दिन उसने बारिश की, 1 दिन में भी उसकी अकल नहीं आई। 1 दिन में आज पता लगा था, 2 दिन में पता लगा था, 2 दिन में पता नहीं लगा, 3 दिन में पता नहीं लगा। 3 दिन में तो पता ही लग जाना चाहिए, नहीं 3 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है कि इसने 3 दिन तक उठा रखा है, उसको 7 दिन के बाद ही पता नहीं लगा। और 7 दिन बाद वो पर्सनली भी आ गया वहां, पहले तो बादल भेजे थे, 7वें दिन वो भी आया था, पता है ना आपको, अपने हाथी पे बैठ के वो भी मारने आया था। फिर दैट्स व्हाट अहंकार डस, कन्विंस हम सही हूं। सो या आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दैट, नो प्रॉब्लम। कृष्ण ने क्या किया फिर, बाय द वे कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने जाकर सीधा ग्वाल वालों को कहा डरो मत, डरो मत, और अपने एक छोटी उंगली से गोवर्धन को उठा लिया। इनफैक्ट यहां पे आ रहा है, यहां पे आई विल जस्ट रीड दैट। कृष्ण तो सारे गोपियां डर गए और उन्होंने कहा कि भैया देखिए, हे कृष्णा, आप हमें इंद्र के क्रोध से दोबारा निकालिए। इंद्र ने बादल भेज दिए, बारिश होने लगी, सब डर गए। तो कृष्ण ने क्या कहा, लेट्स सी कृष्ण क्या कहते। कृष्ण ने कहा क्योंकि हम कृष्ण ने अपने आप सोच रहे हैं क्योंकि हमने इंद्र का यज्ञ रोक दिया है, अतः इंद्र अति प्रचंड हवा और ओलों के साथ घनघोर एवं बिना ऋतु की वर्षा कर रहा है। कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं, आप देख रहे हो कृष्ण भी सोचते हैं अपने माइंड में, ऐसा नहीं है कि ही इज थिंकिंग अबाउट दैट। मैंने अपनी शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात का पूरी तरह सामना करूंगा, भगवान कह रहे हैं मैं सामना करूंगा इसका। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं, अमूर्ता वश में झूठे ही अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगते हैं। मैं अब ऐसे अज्ञान को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि देवता सतोगुण से युक्त हैं, अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान उनमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यू सी, वो कह रहे हैं देवताओं में अभिमान नहीं आना चाहिए कि वो भगवान है, क्योंकि सतोगुण से युक्त हैं। भाई अगर यही अभिमान किसी राक्षस असुर में आता था तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि असुर में तो नेचुरल है नहीं, नेचुरल है। अगर चोर चोरी करेगा तो आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य। अगर पंडित जी चोरी करें तो, पंडित जी चोरी कर रहे हैं, आश्चर्य होता है। तो कोई देवता ऐसी बात कर रहा है, उल्टी फुल्टी बातें, भगवान ने कहा शोभा नहीं देता देवता को। तो मैंने कहा मैं इसको ठीक करूंगा, जब मैं सतोगुण से विहीन उनके मिथ्या अभिमान को भंग करता हूं तो मेरा उद्देश्य उन्हें राहत दिलाना है। भगवान कह रहे हैं मैं उसका मिथ्या अभिमान भंग करके उस पर कृपा करूंगा और वो अपनी दोबारा से सही पोजिशन में दोबारा से वापिस आ जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तब भगवान ने उसके बाद ये क्या है, ओके, भगवान ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया। कौन से हाथ से उठाया था, लेफ्ट। लेफ्ट से क्यों उठाया था, राइट से क्यों नहीं उठाया, भगवान राइट हैंड थे लेफ्ट हैंडेड थे, किसी को पता है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड पता है ना क्या होता है, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, भगवान क्या थे, राइट हैंडेड, राइट हैंड से करते थे, दोनों थे, कहां लिखा है दोनों थे, मतलब मान के चलते हैं राइट हैंडेड थे, लेफ्ट हैंडेड तो थोड़ा ऑड होता है, मेंशनड होता, जब मेंशनड नहीं है तो राइट हैंडेड, जैसे और सब होते हैं राइट हैंडेड, समझते हो ना क्या होता है, मतलब जो इस हाथ से काम लिखते हैं इस हाथ से खाते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो इस हाथ से लिखते हैं इस हाथ से काम खाते हैं, ऐसा करते हैं। सो भगवान राइट हैंडेड मान के चलना पड़ेगा, बट भगवान ने फिर भी गोवर्धन अपने लेफ्ट हैंड में उठाया। क्यों उठाया पता है किसी को, क्यों उठाया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में क्यों उठाया, लेफ्ट हैंड से क्यों उठा लिया, राइट हैंड क्यों, राइट हैंड क्यों नहीं, आप लोग ये सोचते हो चीजें या नहीं, मतलब क्या करते हो आप लोग, क्या सोचते रहते हो पूरे दिन, ये बता दो मुझे, क्या सोचते हो आप, झक सोचते हो क्या, यही चीजें सोचनी होती है,
विमान ने राइट लेफ्ट हैंड से क्यों उठाया, चलो इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर बात करते हैं। आई ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, इम्प्रेस भी हो सकते हैं, बट पता नहीं है। या लेफ्ट हैंड, वेल उसका एक कारण तो ये जो लिख रहे हैं आचार्य कि भगवान ने लेफ्ट हैंड से इसलिए उठाया कि भगवान राइट हैंड फ्री रखना चाहते थे। यस, एक तो बांसुरी और दूसरी बात है कि यशोदा माँ सब थे वहां तो वो कृष्ण को खिलाएंगी तो सही, ऐसे 7 दिन बच्चे को थोड़ा ना भूखा छोड़ देंगी, तो खिला भी रही थी, भगवान खड़े होते तो भगवान एक हाथ से खा भी रहे थे, फिर तो एक हाथ उनका फ्री था। सो लाइक दैट और भी चीजें थी, खैर मैं वो नहीं बता रहा, बट भगवान ने लेफ्ट हैंड से उठाया था और लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से, बाय द वे मतलब ऐसे उठाया छोटी उंगली से, सबसे छोटी उंगली से, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा ऐसे भी उठा सकते थे, ऐसे भी तो उठा सकते थे, मगर एक्चुअली उन्होंने ऐसे उठाया था, तो ऐसे भी नहीं उठाया था, ऐसे उठाया था, उसका भी रीजन है, इन सब चीज के कारण है, भगवान बिना कारण के कुछ नहीं कर देता। अभी तो भगवान को क्या बोलते हैं, सर्व कारण कारण, उनका कारण है, अब वो यही चीजें सारी शास्त्रों में दी है छोटी उंगली से। सो भगवान ने उठाया और फिर भगवान ने गोपों को संबोधित किया, भगवान ने सबको बोला, तो भगवान बोल रहे हैं कि हे हे मैया, हे पिताश्री, हे ब्रजवासियों, यदि चाहो तो अपनी गऊं समेत तुम आप इस पर्वत के नीचे आ जाओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, सब डर रहे थे मगर कि गिर गया तो हम पिट जाएंगे उसके नीचे, मतलब अब कैसे होगा, अब एक उंगली पे उठा हुआ है, पता नहीं अब तो पता नहीं क्या अगर क्या हो जाए, सो डर तो लगता ही है ना, वो भी इतना बड़ा पर्वत गिर गया तो पिस जाएंगे, तो उन्होंने कहा भगवान ने कहा डरो मत, ये पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिरेगा नहीं, तुम डरो मत, आ जाओ चलो, नहीं तुम लोग हवा तथा वर्षा से भयभीत हो, क्योंकि इन कष्टों से तुम्हारे छुटकारे की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। भगवान ने कहा आ जाओ यहाँ पे, सब लेके आ जाओ, आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो उन्होंने कहा भाई आ तो जाएंगे मगर लाइट कहाँ है, लाइट कहाँ से आएगी, क्योंकि लाइट तो थी नहीं, मतलब कैसे करोगे आप, तो घर में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं पहली बात वहां थे, तो रात को वो लैंटर्न चलाते थे, सुबह वो भी सो जाते थे, जल्दी सो जाते हैं गाँव में, सुबह दिन हो जाते हैं, मगर अब तो सारे काले बादल हैं, दिन हो ही नहीं रहा, तो उन्हें कहा लाइट ही नहीं है, तो भगवान ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भगवान ने लाइट का अरेंजमेंट कर दिया, कैसे किया, ऑर्नामेंट्स, भगवान के खुद से ही शरीर से ज्योति निकल रही थी और से सब जगह लाइट हो गई थी, उनके शरीर से ज्योति निकल रही थी, सो सब पूरी लाइट थी। और वैसे भी जो वृंदावन की भूमि है, वृंदावन की भूमि ने भी सारे हीरे मोती जवाहरात प्रकट कर दिए थे, तो वो हीरे और मोतियों में से लाइट निकल रही, हीरों में से लाइट निकलती है ना, वो जेम जो होते हैं सारे प्रकट हो गए थे, सब में से लाइट सब जगह, तो लाइट का अरेंजमेंट हो गया अपना, फिर खाने का अरेंजमेंट, गाय से दूध आ जाएगा और चपाती वपाती बनाए कैसे बनाएंगे, वो तो चलो आग जला ही लेंगे वहां पे किसी तरीके से चपाती बना के, और पानी तो है ही, पानी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर जगह पानी है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सब आराम से, उन्होंने कहा आप ले आओ, सब आराम से अपना घर थोड़ा छोटा एरिया बना के सब रहने लगे। तो इस प्रकार भगवान ने सबको आश्वासन दिया और अपनी गोवर्धन लीला संपन्न की। सो लास्ट श्लोक पढ़ रहा हूं मैं, अपने प्रेमी ग्वाल बाल मित्रों तथा भगवान सॉरी के विषय में सारी, हाँ, अपने प्रेमी ग्वाल मित्रों तथा भगवान बलराम से घिरे कृष्ण उस स्थान पर गए, वे अपनी गऊं चरा रहे थे, अपने हृदयों को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा उनके द्वारा संपन्न गए यशस्वी कार्यों के विषय में सारी गोपियां प्रसन्नता पूर्वक गीत गाती अपने घर को लौट गईं। सबने फिर गोवर्धन लीला पे गीत बनाए, ब्रजवासियों ने अपने छोटे छोटे, और गीत गाते हुए वापस अपने घर
चले गए, गोवर्धन भगवान ने रख दिया, ये गोवर्धन लीला है। सो दैट्स हाउ दिस पास्ट टाइम इज देयर। और इस खैर गोवर्धन लीला तो बहुत बड़े पास्ट टाइम है, बहुत सारी चीजें बताने को है, बट गोवर्धन का मेन मतलब ही है, गो मतलब होता है आनंद, गाय भी होता है, गो मतलब आनंद भी होता है, इंद्रियों में जो आनंद है। तो भगवान गोवर्धन मतलब जो अपने भक्तों के इंद्रियों का आनंद वर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं। ये एक लीला है जिसमें भक्तों को परम आनंद प्राप्त हुआ कि 7 दिन तक भगवान का संग दिन रात मिलता रहा। इनफैक्ट उस 7 दिन में किसी ने एक भी चपाती नहीं बनाई, क्योंकि सब कुकिंग करना भूल गए, सब कृष्ण को ही देखते रहे और कृष्ण उनको देखते रहे। खाना पीना सब भूल गए, सोना सब भूल गए, सब भूल गए। इसको कहते हैं भक्ति, भक्ति। दैट्स इट बॉस। जय कृष्ण भगवान की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? I'll finish here. कुछ है, कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? क्या कह रहे हो? हाँ वो मैंने बताया नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं भूल गया मैं। होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क, होमवर्क, दैट्स होमवर्क। कल जन्माष्टमी है ना, कल आप सोचो इस पर, ढूंढना ये होमवर्क, ढूंढना कि मैंने छोटी उंगली पे क्यों उठाया है। उन्होंने खाना खाने के लिए फ्री रखा था मगर भूल गए, फिर ये था बस, समझ गए बस। ओके, कुछ कहना है और किसी को कुछ पूछना? गोवर्धन पास्ट टाइम पढ़ना, जाकर आज पढ़ना, कल जन्माष्टमी है, या कल भी पढ़ सकते हो। तो भगवान को अपने मन में रखना ज्यादा अच्छा है। ओके, जय श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।